फाइनली दोस्तों अजय देवगन सर की फिल्म भोला आज अपने 22वें दिन को भी कंप्लीट कर चुकी है। वहीं पर 23वें दिन के रनिंग में दोस्तों थिएटर्स में चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म भोला के 22वें और 23वें दिन के नेट इंडिया वर्ल्ड वाइड और ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों अजय देवगन सर की फिल्म भोला को खुद अजय देवगन सर ने डायरेक्ट किया है और खुद इसमें हीरो का रोल भी किया है। वही लीड रोल में तब्बू नजर आई थी, उनके साथ अमाला पॉल, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, अभिषेक बच्चन, गजराज राव जैसे बॉलीवुड के बड़े सितारे हमें इस फिल्म में देखने को मिले थे। जहां पर दोस्तों ये फिल्म 100 करोड़ के बड़ी बजट के साथ बनाई गई थी। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म का पहले सप्ताह से कलेक्शन काफी अच्छा देखने को मिला था, वहीं पर दूसरे सप्ताह से इस फिल्म का कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा। जहां दोस्तों 30 मार्च रामनवमी के शुभ अवसर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था और रिलीज होती है दोस्तों ये फिल्म अपने पहले सप्ताह भर से धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं दूसरे और तीसरे सप्ताह का कलेक्शन कुछ खास नहीं देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों चौथे सप्ताह के रनिंग में यह फिल्म अभी चल रही है। दोस्तों इसी के साथ बात कर ले फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि आज के 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पहले दिन दोस्तों यह फिल्म 11 करोड़ 20 लाख की ओपनिंग ली थी। वहीं पर दूसरे सप्ताह भर तक इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 78 करोड़ 49 लाख का हो चुका था नेट इंडिया भर से। वहीं पर दोस्तों 20वें दिन यह फिल्म नेट इंडिया भर से 1 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं पर 21वें दिन का कलेक्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। 21वें दिन भी यह फिल्म 1 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी, जहां पर दोस्तों 22वें दिन का कलेक्शन उससे भी कम लगभग 90 लाख का हो चुका था। जहां पर यह फिल्म 22वें दिन टोटल नेट इंडिया भर से लगभग 88 करोड़ 59 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। जहां पर दोस्तों वर्ल्डवाइड से इस फिल्म का कलेक्शन 120 करोड़ का रहा था। वहीं दोस्तों इसी के साथ बात करें आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो यह फिल्म आज दोस्तों 50 लाख का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। जहां पर दोस्तों आज बॉलीवुड के खान कहे जाने वाले सलमान खान की फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज हुई है। वहीं पर दोस्तों सारे स्क्रीन किसी की भाई किसी की जान ले चुकी है। वहीं पर दोस्तों फिल्म भोला को इसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों ये फिल्म आज 50 लाख की ही ओपनिंग कर पा रही है, जहां पर दोस्तों ओवरसीज से केवल 5 लाख का कलेक्शन हो सका है। वहीं पर दोस्तों 23वें दिन तक वर्ल्डवाइड से लगभग 70 से 75 लाख का कलेक्शन हो सकता है। वहीं पर दोस्तों टोटल नेट इंडिया भर से लगभग 89 करोड़ के आंकड़े को टच करती हुई नजर आएगी। वहीं पर दोस्तों वर्ल्डवाइड से 121 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। वहीं दोस्तों अभी इस फिल्म को 100 करोड़ बजट के हिसाब से हिट होने के लिए 120 करोड़ का कलेक्शन करना है। वहीं पर दोस्तों यह फिल्म अपने 30वें दिन तक टोटल नेट इंडिया भर से 89 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं पर दोस्तों यह फिल्म हिट होने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जहां पर दोस्तों हिट होने के लिए इस फिल्म को अभी भी 30 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। वहीं पर दोस्तों एवरेज होने के लिए अभी भी इस फिल्म को लगभग 14 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा, तब जाकर के यह फिल्म एवरेज कहलाएगी। अब आप कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों यह फिल्म एवरेज होगी, हिट होगी या फिर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन सर को दिल से पसंद करते हो, अगर आपको फिल्म भोला अच्छी लगी हो, अगर आप अजय देवगन सर के फैन हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और इसी तरह के बॉलीवुड और साउथ से रिलेटेड मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फॉर सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।